नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट 4 जून को आने वाले हैं, उससे पहले कांग्रेस अपने जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए देश भर में इंडिया गठबंधन की जीत की दुहाई दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन 295 सीटें लाकर देश में सरकार बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने किसानों के दर्दों को समझा है। 10 साल की मोदी सरकार में हर वर्ग मोदी सरकार से परेशान रहा, उसी को लेकर लोगों ने अपना बढ़ चढ़ कर वोट दिया है और जो देश की जनता है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि हर बार एग्जिट पोल इस तरह के दिखाए जाते हैं, माहौल बनाया जाता है, लेकिन इस बार एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि जो एग्जिट पोल हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, जबकि सरकार मध्य प्रदेश में भी अच्छी सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं, तो देश में जो इंडिया गठबंधन है उसकी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने अपने पीसी में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। स्वागत करता हूं साथियों, 2024 का लोकसभा का चुनाव बड़ा रोचक और कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। देश के 10 साल की एक ऐसी सरकार जिन्होंने सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दी देश को, जिन्होंने सबसे ज़्यादा महंगाई दी देश को रिकॉर्डेड, मतलब ये कोई आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये हम सबको सहने और भोगने का विषय है, देशवासियों को भोगने का विषय है। सबसे ज़्यादा महंगाई दी इस पूरे देश को, किसानों की आत्महत्या और किसानों के कर्ज में 75 साल की आज़ादी के बाद अद्भुत और अकल्पनीय यातनाएं किसानों ने सही। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा एक वर्ग, वो किसी भी क्षेत्र का हो, जो इस 10 साल में सरकारी यातनाओं से जिसने अपने आप को परेशान होते हुए नहीं देखा, इस के बाद का ये चुनाव था। साथियों, एक तरफ था कांग्रेस का घोषणा पत्र जिसकी चर्चा लगातार विपक्ष और देश के प्रधानमंत्री करते रहे, देश की मीडिया करती रही, देश का आम नागरिक करता रहा और हम भी करते रहे, जिसमें हमने देश में बेरोजगारी समाप्त करने की बात करी, देश में हमने महंगाई को कम करने की बात करी, देश की अर्थव्यवस्था कैसे उठे इसको लेकर हमने अपनी कार्य योजना बनाई, हमने किसानों के दर्द को भी उस वचन पत्र में सहा और उसको सुधारने के लिए समाधान दिए। ऐसा एक क्षेत्र नहीं है जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात नहीं की, और उसी की चर्चा देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी और मीडिया ने भी की। मैं सोचता हूं कि ऐसे में बीजेपी का वचन पत्र क्या था या घोषणा पत्र क्या था, शायद आज भी इसकी हम चर्चा करें तो मीडिया का भी एक बहुत बड़ा वर्ग उसको नहीं बता सकता। मीडिया का एक भी किसी डिबेट में एक दिन, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी का वचन पत्र देश के सामने इस बार रखा, उनके फोटुओं के अलावा, 70 फोटो कुछ अखबार मीडिया में आए थे, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा। तो जो चर्चा हुई वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पे इस चुनाव में हुई। जैसा मैंने कहा कि इन सब के बावजूद देश में जिस तरह की परिस्थितियां थी, देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य कैसे आते थे, जो अंतिम वक्तव्य उनका आया वो हमने सपने देखा कि एक गुस्से में वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर बोलने लगा अभी मैं चुप हूं तो क्या बोले वो, हम सब सर्वविदित है वैसी भाषा बोलना, मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री का अपमान होगा, पर उन्होंने डराने और धमकाने की भाषा का उपयोग देश के प्रधानमंत्री ने जनसभाओं में किया। मांस मछली और मटन से लेके मंगलसूत्र से लेके अंत में वो जैसे आखिरी में आए मुजरे पे, वो तो सबने देखा और सबने विचार किया, बीजेपी के लोगों ने भी विचार किया कि देश के प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी नहीं हो सकती है। जो बीजेपी के नेताओं ने बोला वही भारत हमारे एग्जैक्ट पोल ने भी बोला। इसका मतलब यह है कि जो एग्जैक्ट पोल बनाने वालों को लेके देश की एक भाषा बनी कि ये मैनिपुलेशन है, ये मोदी है, ये गोदी है, उसका एक बार फिर असर इस पूरी प्रक्रिया में दिखा। बात इतनी है कि जो एग्जैक्ट पोल आए उसकी भी अलग अलग एक कहानी है। जहां पे 4 सीट है वहां पे 6 सीट किसी एग्जैक्ट पोल ने बता दी, कोई पार्टी 3 सीट पे लड़ रही उसको 6 सीट भी कहीं पे दे दी,
किसी राज्य में अलग अलग तरह के अलग अलग कई प्रकार की विसंगतियां एग्जिट पोल में देखने को मिली। मतलब देश का इतना गंभीर मसला, देश का आम चुनाव अरबों खरबों रुपए, देश के पूरे देश के भविष्य का चुनाव, अरबों खरबों रुपए का देश का जिसमें एक तरह से इन्वेस्ट होता है, आपकी और हमारी गाड़ी कमाई होती है, उसके एग्जिट पोल में जिस तरीके की विसंगतियां सामने आई, मतलब उस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से क्या उसको शब्द दिए जाए, ये भी एक चुनौती का प्रश्न है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम लोग आप लोग बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं मंडला की सीट अच्छी है, छिंदवाड़ा भी अच्छा चुनाव लड़े, बीजेपी ने खूब कोशिश की, उसके बाद भी कमलनाथ जी के प्रति सिंपैथी थी। जब हम झाबुआ की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से, बड़वानी की बात करते हैं हम, भिंड मुरैना और ग्वालियर की बात करते हैं तो भी आप लोग कहते हैं कि नहीं ये सीटें कांग्रेस की ऐसी 12-13 सीटें यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो अच्छी लड़ाई में है और कुछ भी परिणाम हो सकता है, जीतने के चांस ज़्यादा है। उन सीटों को लेकर हम तो बात करते ही, हमारा तो दायित्व है, हमारे वर्करों से हम बात करते हैं, पर आप लोग भी बात करते हो, मीडिया जगत भी, डॉक्टर भी बात करते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से इसके कई प्रक्रियाएँ भी आई हैं, पर एग्जैक्ट पोल इसके विपरीत है। तो मैं ज़्यादा इसमें गंभीरता में नहीं जाऊँगा या ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप में कांग्रेस पार्टी नहीं जाना चाहती है। एग्जिट पोल की पोल आने वाले 18 घंटे में खुल जाए। और रही बात इसकी कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल किसी भी प्रकार से डीमोरलाइज नहीं है, हमारे वर्करों को हमने पूरे ताकत से जो गिनती की प्रक्रिया का हिस्सा है वहाँ पर क्या सजगता रहनी चाहिए, कैसे लीगल टीम रहनी चाहिए, कैसे हमारे मीडिया के प्रवक्ताओं को हर तरीके से अपनी पार्टी के विचार के साथ खड़े रहना है, कैसे हमारे सीनियर लोग अलग अलग यहाँ, चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा का, यहाँ हमारे प्रदेश कार्यालय का सवाल है, या जिलेवार लोकसभा वार जिलेवार नियुक्तियों की बात है, या जिम्मेवारी देने की बात है जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो सब भी है। तो इन सब एग्जिट पोल से हमारा कार्यकर्ता ने निराश है, न हताश है। मैं प्रदेश की जनता को जरूर कहना चाहता हूँ, चुनाव हो गए, लोकसभा के भी चुनाव हो गए हैं और विधानसभा के भी चुनाव हो गए, जो सत्ता में है उनकी ड्यूटी है कि जो बोला वो करें, और जो विपक्ष में हम और हमारे साथ आप सब, हम सब जो विपक्ष को ज़्यादा ताकत देते हैं, वो इस बीजेपी को मजबूर करें, सरकार को मजबूर करें कि इनने जो बोला वो करें। हालात बहुत गंभीर है मध्य प्रदेश के, रिजर्व बैंक ने हमें कर्ज देने से मना कर दिया, यानी हमारी हालात कैसे हो गए, एक सरकार के एक प्रदेश के हालात ये, किसी एक व्यक्ति को कोई कर्ज नहीं दे, यानी उसकी सामाजिक किस तरह की दुर्गति होती है, हमारी सरकार की वैसी दुर्गति है। हमारे 3C में जब बार बार कहता हूँ तो जो क्राइम का अकल्पनीय और जिसकी कितनी निंदा करें उसकी कोई शब्द नहीं है, उसके उतना क्राइम या ST SC आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति का होना तो एक तरह से यहाँ एक अभिशाप हो गया। हर तरह की यातनाएं उनके साथ, कैसी कैसी यातनाएं जो कभी हम फिल्मों में देखते हैं, कहानियों में नहीं सुनते, वैसी यातनाएं। अभी सागर का घटनाक्रम है उसका उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण हैं, उसकी अलग से बात करेंगे। 3C, ये क्राइम कर्ज और करप्शन, आज ये आप लोगों ने सबने लिखा है कि सारे टोल पे पैसे बढ़ गए हैं। फिर हमने देखा अभी 2 दिन पहले, अभी मुझे कोई बता रहा था कि हर तरीके की महंगाई बढ़ाने की तैयारी फिर से तेज हो गई, मतलब हर जगह नगर निगम नगर पालिका, वहाँ कैसे नगर पालिकाएँ अपने इनकम बढ़ाएं इसके लिए टैक्स की प्लानिंग कर रही है, ऐसे ही मध्य प्रदेश शासन जो बजट लाएगा अभी उसको लेकर भी अपना बजट, चूँकि उनको कर्ज अब मिलेगा नहीं तो आखिर चलेगा कैसे, तो वो जनता पर भार आने वाला है, तो इसकी तैयारी हो रही है अलग अलग तरीके से। तो हमारी सबकी आपकी ड्यूटी है कि हम उस सरकार का असली चेहरा सबके सामने लेके जाएं। हमें आशा है देश में इंडिया गठबंधन की, जैसा कांग्रेस पार्टी ने कल राहुल जी ने खड़गे जी ने 295 सीट की बात की है, हमारी सरकार भी बनेगी और 295 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आएगी, ये भावना हम सब प्रदेशवासियों को, हमारे सारे वर्करों को, सारे मीडिया के साथियों को, सारे प्रदेश के आम जन को
अवगत कराना चाहते हैं कि इन एग्जैक्ट पोल से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम एक आइडियोलॉजी के साथ कांग्रेस पार्टी के विचार को जन जन तक ले जाएंगे, जैसा देश की आज़ादी से, देश की सत्ता से, देश के विपक्ष में रह के हमने अपनी भूमिका निभाई है लड़ने की। इस सरकार को नरेंद्र मोदी ने अगर गिनती हो कि राहुल गांधी जी के लिए कितने अपशब्द बोले होंगे या उनके परिवार के लिए, तो 1,00,000 से ऊपर अपशब्दों का संग्रहण वो कर सकते हैं इस बार। इस चुनाव में उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने, उनके केंद्रीय मंत्रियों ने, उनके बड़े पदाधिकारियों ने, खुद नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद भी देश की ईमानदारी से सेवा कैसे होती है, ताकत से, हिम्मत से, बिना डरे, वो पूरे हमारे नेतृत्व में आदरणीय राहुल जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने की है। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कोई सवाल हो तो एक दो। 295 मैं बोल चुका हूं, अब ये वही बीजेपी की भाषा हो जाएगी। नहीं, हम तो 2.5 की बात कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, और रिजल्ट आएगा तब भी ऐसा ही होगा, 2.5 की संख्या में सीट आएगी। अच्छा, आप पेट्रोल 60 में लेते हो, आप 100 में लेते हो कि नहीं लेते? आपके घर में जो गैस सिलेंडर 400 का आता है, 1100 का आता है कि नहीं आता? अब जो आप साइकिल पे आज जो घूम रहे थे, वो साइकिल पहले 1,000 की थी, अब 10,000 की है कि नहीं? जब महंगाई का इतना बोलबाला है, हर जगह यातना है, कोविड आपने सहा, आपने घर में बीमार हो जाए तो परेशानी कितनी आती है, एक आम आदमी समझता है, आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। जहाँ पे किसान परेशान है, घर में एक बेरोजगार नशा अद्भुत, फिर वोट कैसा? तो फिर भी अगर वोट आए हैं तो फिर दिग्विजय सिंह जी ने क्या गलत किया? मैंने यही कहा कि देखो, मैं हमारा चुनाव था जब तक भाषा अलग थी, चुनाव होने के बाद मैंने जैसा कहा कि मीडिया और विपक्ष एक होते हैं देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को सूझ सांवल में लाने के लिए, सही काम करने के लिए। ऐसे में मैं बार बार यही कहूंगा, क्यों शब्द आया ये गोदी मीडिया और मोदी मीडिया, क्यों आया? ये आना था क्या? नहीं आना था। इसके लिए ये सब इसके लक्षण है। नहीं, काम नहीं किया, नौकर जैसा काम किया। 5 साल कलेक्टर बने रहना, इसलिए बीजेपी की डफली बजाई, और जिनकी जिनकी बजाई है उनकी सारी लिस्टें भी है, जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जैसा जैसा उसने सत्ता में रह के ही, उनके साथ न्याय नहीं होगा, विपक्ष में रह के भी न्याय कैसा होता वो भी बताया जाएगा। अगर उनको पोस्टिंग अच्छी चाहिए और सही जगह पे बैठे रहना, इसलिए सरकार की तूती बोलना है। ऐसी कितने अधिकारी, कितने DM, जितने कलेक्टर, जिन्होंने निर्वाचन आयोग के धर्म को नहीं निभाया, बीजेपी के धर्म को निभाया है, जैसे खजुराहो में, जैसे और जगह, इन लोगों को सही तरीके से इनसे निपटा जाए। ये आपसे एक दिन बैठ के बात करके आपको पूरे उनके भविष्य के लिए चर्चा करेंगे। उमा भारती कह रही है, सर उमा भारती कह रही 450 सीट आएंगी, वो हिमालय घूम के आएंगी, 500 तो उन्होंने 100 कम क्यों बता दी? आपको आना है, आपको आना है। धन्यवाद। क्या बघेल साहब का एक मिनट, ये तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, वो काम कर रही है, एक उसके लिए नेता प्रतिपक्ष जी ने समय मांगा है, और सुझाव देने के लिए, उसके साथ साथ सरकार की पोल खोलने के, दोनों के लिए। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभात अच्छी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।